والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. जी फैसल भाई जी, तसीर भाई जी, इनमें से कितने बच्चे तसीर भाई हमारे पास पढ़ेंगे, क्या उम्र है उनकी? जी फैज, जरा सबकी तफसील बता दे फैज। एज एज बताएंगे सर जी, सिर्फ नाम और एज बता दें मैं फैज उनके। ये फैसल भाई, फैज भी यहीं के ग्रेजुएट हैं, इन्होंने यहाँ अलहमदिल्ला यहीं से इन्होंने बीएससी किया और इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेड हुए हैं ये अभी कंप्यूटर साइंस में। यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाली है जी जी हाँ, वहाँ पर कोई कॉमोडोर साहब होते हैं ना जी। डॉक्टर इब्राहिम हनीफ यहाँ से टोटल छह स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और उनके नाम है हैदर, अरसलान, आलियान, हादियान, सलमान, उमैर। और इनकी क्या एज ग्रुप क्या है इनका? और ये इनका ग्रेड है 7th 8th ग्रेड है इसका। नहीं, एज क्या है इनकी? एज माशाल्लाह, मतलब कि उम्र तो सबकी सही है, 12 से 16 साल ना, तो 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये पढ़ना क्या है, ठीक है ना? अब जैसे ये सूरत रहमान पढ़ते सलसाल कल, ठीक है, सलसाल यानी कि अल्लाह ताला ने सलसाल के बारे में फरमाया है। उमर सुलेमान अल अशकर बहुत बड़े स्कॉलर थे मदीना मुनवरा में, जॉर्डन से इनका ताल्लुक था, मदीना मुनवरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उर्दन। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक इस्लामिक क्रीड की किताब लिखी है, उसको इस्लामिक क्रीड को उर्दू में क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम तफसीर भाई मदद के, लेकिन उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अलग अलग मिट्टी से बनाया, किसी को बनाया तीन अल्लाजिम, तीन सलसाल, कल फखार, मतलब अलग अलग मिट्टी की उससे बनाया। तो उसके बारे में उन्होंने फरमाया कि भाई कि इंसान जो है वो कोई सख्त होता है, कोई नरम होता है, किसी को चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, किसी को चीज़ें देर से समझ आती हैं। वो इसलिए कि जो मिट्टी है अल्लाह ताला ने वो अलग अलग तरीके की मिट्टी इस्तेमाल की है, राइट? इसलिए तो इस चीज़ पे कभी घबराना नहीं कि मुझे मुश्किल होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, चीज़ें बहुत आसान है। आप सब लोगों को जो 6 बच्चे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, यानी कि ज़रा जमा करना आता है, जमा करना आता है ना आप लोगों को, माइनस करना आता है, तफरीक करना आता है, ठीक है ना, ज़रब देना आता है। अगर ये आप लोगों को मैथ्स के जो जो आप लोग हिसाब किताब करते हो, अगर इसके अगर आपको इसके ये काम सारी चीज़ें आती हैं तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है? आप ये 6 के 6 स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर कभी इस्तेमाल किया, कुछ किया आप लोगों ने कंप्यूटर पर, कभी कोई ईमेल एड्रेस बनाया, कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी, कुछ किया आप लोगों ने कभी?
किस किस ने किया, हाथ उठाओ जरा मेरे सामने। फैजरा जवाब, अपने हाथ उठाओ, किस किस ने किया ये काम, पूरे पूरा हाथ उठाओ ना, इतना बड़ा हाथ है यार, पूरा हाथ उठाओ सबने। तो जिसने, हाँ तो जिस शख्स ने, जिस बच्चे ने यहाँ पर अगर ब्राउजर इस्तेमाल कर लिया और यूट्यूब चला ली फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी ऐसा वेब पेज खोल लिया, तो वो दुनिया का बेहतरीन हैकर बन सकता है। हैकर पता है किसे कहते हैं? हैकर उसको कहते हैं जो सिस्टम को, अपने कंट्रोल में ले आता है, उसको कहते हैं हैकर। तो वो दुनिया का कामयाब तरीन कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता है, कंप्यूटर हैकर बन सकता है। मेरी वोकैबुलरी कम है तफसीर भाई उर्दू की, आपसे मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। और वो कामयाब हो सकता है ऐसी साइंस के अंदर, ऐसी डेटा साइंस के अंदर, कि जिसकी वजह से वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे फैसले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन अल्लाह ताला ने आपके यहाँ पर फरिश्ते बिठाए ना, उल्टे और सीधे हाथ पे फरिश्ते, वो क्या करते हैं? वो आपके अमाल लिखते हैं। सीधे हाथ वाला फरिश्ता, ये सीधा हाथ है मेरा, ये सब सही अमाल लिखता है। उल्टे हाथ वाला फरिश्ता, सारे गलत अमाल लिखता है। ये क्या है? ये डेटा है आपका, अल्लाह ताला आपका डेटा जमा कर रहे हैं, ठीक है। और ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन, अल्लाह ताला आपको फैसला देंगे ना भाई, वो फैसला देंगे उस डेटा के बुनियाद पे कि आपने कितना अच्छा काम किया, कितने बुरे काम किए, राइट। तो दुनिया में जितने फैसले लिए जाते हैं ना, वो डेटा के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने पाइथन पढ़नी है, लिनक्स पढ़नी है, ये दो चीजें पहले, सबसे पहले पढ़नी, अगर तुम सब बच्चे जो हैं, और मैं तुम सब लोगों के साथ अलग से बैठूंगा, ठीक है ना, महीने में एक दफा या हर दो हफ्ते में एक दफा मैं लाइव बैठूंगा यहाँ पर तुम लोगों के साथ, और तुम लोगों की मदद करूंगा, और अगर तुम लोगों के कोई भी सवाल होंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, सही है। साथ साथ जो क्या फैज नाम है ना इनका, साथ साथ जो फैज भाई हैं, ये भी आपकी मदद करेंगे जहां तक इनके पास वक्त हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ इसी तरह लाइव सेशन पे, और लाइव सेशन पे मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर बाहर ममालिक में, जब जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ पर साथ साथ आठ आठ साल के बच्चे ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आप चीज पढ़ रहे हो, ये बहुत आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका फायदा क्या है? जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असलु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया, यानी कि नफे वाला इल्म है। अगर आप ये हासिल करते हो, मेरे बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने चले गए और बाहर उनकी नौकरियां हो गई, कोई जर्मनी में काम कर रहा है, कोई यूके में काम कर रहा है, कोई फ्रांस में काम कर रहा है, ठीक है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, मतलब कि पूरी दुनिया में मेरे स्टूडेंट्स हैं, 140 ममालिक में मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज पढ़ाता हूँ उनको, वो है बेसिकली बहुत सारे उलूम है साइंस के जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है। मगर ये सारे के सारे नफे वाले हैं। देखो, दुनिया में दो किस्म का इल्म नफे वाला है, एक दीन का है जो अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरा दुनिया का वो इल्म है। दीन का इल्म आपको आखिरत में कामयाब करेगा, दुनिया का इल्म आपको दुनिया में अच्छे असबाब, यानी अल्लाह हमें इन्हीं सलूक का इल्म नाफिया और रिस्क तैयबा, हलाल तैयब रिस्क अता फरमाएगा, वो अमलन मुतकबला, जिसे आप मकबूल अमाल कर सकते हो। तो अभी आप सब लोग बहुत छोटे छोटे हो, ठीक है, कोई मतलब कि 12 से 16 साल की उम्र का, 12 से 16 साल की उम्र बेहतरीन उम्र है कामयाबी के लिए। दुनिया के इस वक्त जितने बड़े बड़े हैकर्स हैं, जैसे आपने देखा ना, आपके घर के, आपके मदरसे से घर के ऊपर से जहाज उड़ता है ना, जहाज जाता है ना, आप लोग को पता है आप उस जहाज को जमीन पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। आप लोग टीवी जो है, टीवी उसको हैक कर सकते हो, हैकिंग किसी भी चीज की आप हैक कर सकते हो, मगर उसका एक तरीकेकार होता है, वो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने उस तरीकेकार को गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर वो जो उल्टे हाथ वाला फरिश्ता है ना, वो सारे गलत अमाल लिखेगा कि गलत हो गया, ठीक है, सब चीजें, क्योंकि हर 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 इल्म का गलत इस्तेमाल भी है और सही इस्तेमाल भी है। आप लोगों ने सही इस्तेमाल करना है। आप उसे रोबोट्स बना सकते हो, रोबोट समझते हो ना, रोबोट देखे है ना आपने, देखा है ना रोबोट, जो मसनूई आदमी हो जिसे कहते हैं, राइट, आप वो बना सकते हो। आप उससे अपने गेम्स बना सकते हो, अगर आपने कोई छोटा मोटा गेम बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है।
आप उससे जो दुनिया में उस वक्त जो ऊपर सैटेलाइट जो चल रही है जो सब चीजों को कंट्रोल करती है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है, सब चीजें। आप ड्रोन्स जो ड्रोन्स चलते हैं ना ड्रोन्स, आप ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो अमेरिका बार बार हमारे ऊपर ड्रोन हमले करता रहता है, हम ड्रोन कंट्रोल में ला सकते हैं। बट इन तमाम चीजों का सीखने का एक तरीका है, तो आप सबसे पहले पाइथन और लिनक्स सीखोगे, ठीक है। सही, ये दो चीजें आपने सबसे पहले सीखनी है, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आगे क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है। सही है। तो तस्वीर भाई जी, ये जो बच्चे है ना, इसकी उनकी इतनी उम्र के बच्चे जो है ना यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और ना CSSP वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो इनको सबसे पहले तो पाइथन और लिनक्स पढ़ना है। पाइथन का प्राइमर, अल्फा, बेटा, और लिनक्स का प्राइमर, यानी कि पाइथन प्राइमर और अल्फा पढ़ने और बेटा आधा पढ़ने काफी है, और लिनक्स प्राइमर, अल्फा और लेवल टू, ये तीनों उन्होंने करने होंगे, ठीक है। तो ये 6 courses हैं इनके पास, ठीक है, और जो इनको पढ़ने हैं उसके बाद फिर मैं इनको बताऊंगा कि इनको CSSP किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो मैं खुद इनको इस तरह से जो क्लासेस है ना खुद लूंगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें कि इनको अपनी हिस्स की क्लास के साथ, क्योंकि इन्होंने पढ़ना यहीं पे है ना, यहीं पे कंप्यूटर्स हैं, यहीं पे ये लोग आते हैं, फिर अपने घरों को चले आते हैं, तो कितना कितना टाइम इनको अपने हिस्स की क्लास के साथ साथ इस पे लगाना चाहिए? ये लोग असर के वक्त सुबह आते हैं और असर के बाद ये लोग वापस ले आते हैं, और क्योंकि कंप्यूटर यहीं पर, सुबह 7 बजे आते हैं, 7 या 8 बजे आते हैं। अगर ये 7 बजे आते हैं तो जब देखें इनका जो टाइम है ना जो उनके उस्तादों को निकालना है वो कम से कम कहीं नहीं तो आधा घंटा बस, ठीक है, आधे घंटे में इनको आधा 15 मिनट इनको पाइथन कराएं, 15 मिनट लिनक्स कराएं, 1-1.5 महीने तक इसको इस तरह लेके चलें, ये सारे काम खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद फिर इनको आगे लेके चलें, ठीक है, ठीक है। फैज, आप ये चीज़ें नोट कर रहे हैं, और असाज़ा भी जो है इनको भी बता दें कि जो बच्चे ये हैं इनको इतनी देर के लिए इन्होंने फारिग करना है, ताकि ये लोग अपनी क्लास में जाके कंप्यूटर पे बैठ के ये काम कर लें इंशाल्लाह। जी ठीक है, वो हम इनके स्केड्यूल जो है वो अकॉर्डिंगली बना लेंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से फोकस कर लें इंशाल्लाह अपने आप को, तो बड़े आराम से कामयाब हो सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं होगा। फैज को ये करना पड़ेगा कि जो जितनी भी कंप्यूटर्स हैं उस पर लाइनक्स इंस्टॉल करें, नाफे लाइनक्स। मैं हम 18 जनवरी को हमारा उसका इमेज भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। जो नाफे लिनक्स जो है वो बेसिकली मैं इसको बता दूंगा कि डेबियन का डिस्ट्रो है जो भी है, उस पर सारे टूल्स इंस्टॉल हुए हैं, सब कुछ है उस पर, एना पाइथन एनाकोंडा भी इंस्टॉल हुई हुई जो इनको चलानी है, तो उसी के ऊपर ये लोग लाइनक्स भी करेंगे, उसी के ऊपर पाइथन भी करेंगे, बस और कुछ भी सही, एक ही प्लेटफॉर्म के विंडोज से इनको हटा दिया जाए। सही, इंशाल्लाह। मतलब कि 6 महीने में ये सारे बच्चे जो है लाइनक्स के इतने बेस्ट ऑपरेटर्स बने हुए होंगे, जैसे यूरोप है, यूरोप में जर्मनी देखें, फ्रांस देखें, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं यूके को छोड़कर, तमाम बच्चे लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, उसको वहाँ पर लिनक्स कहते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं, ये उनका डी फैक्टो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो अगर ये बच्चे सारे इस्तेमाल करते हैं लिनक्स, तो ये एक्सपर्ट, अभी से इनकी बुनियादें इतनी मजबूत हो रही होंगी कि ये एक्सपर्ट वो बन रहे होंगे इंशाल्लाह, उस तरफ जा रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, सो इसका नाम है, एक बच्चे का नाम है हैदर, राइट जी, अरसलान, सलमान, उमेर, आलियान। मुझे इन 5 बच्चों के नाम मिले थे, छठा बच्चा कौन है? और फैज खुद भी कर रहे हैं इसको कोर्स में, खुद भी वो रजिस्टर्ड हैं और वो भी साथ साथ करेंगे, ताकि बच्चों के साथ साथ ये भी अपने इसको रिफ्रेश भी करेंगे और गाइड भी करते रहेंगे। तो 6 स्टूडेंट्स हैं, राइट, ठीक है इंशाल्लाह, सही है। तो फिर हमारी अब क्या नाम है, मैं आपको फैज, मैं आपको उसी ग्रुप पे एक लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा लिनक्स के वो इमेज, ठीक है, और उसको फिर आपने इंस्टॉल करना है, या अगर आप चाहो तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, फिलहाल इस वक्त ना यूबंटू इंस्टॉल कर सकते हो या डेबियन इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपकी इंस्टॉलेशन है।
अगर लिनक्स हमारी वाली इस्तेमाल करोगे तो उसमें उसमें सारे टूल्स भी इंस्टॉल हुए हैं और सारी जो उनको पाइथन यूज करनी है वो भी इंस्टॉल हुआ होगा उसपे। दो उसपे चलाने का फायदा ये कि ना वो विंडोज तो है नहीं, वो वायरस से काफी हद तक बच जाती है, ठीक है, और वो स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो खराब भी नहीं होगा। लेकिन इनको जब यूजर बना के दिया जाए, हाँ इनके पास रूट यूजर तो है नहीं क्योंकि चेंजेस कर सके, राइट, ठीक है ठीक है, तो ये नॉर्मल यूजर के ही सारा काम करते हैं जी। ठीक है, हम फिर उसी को प्रेफर करते हैं फिलहाल। इंशाल्लाह ठीक है ना, इंशाल्लाह ठीक है। तस्वीर हो सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इसकी टाइमिंग सर क्या होगी जी? टाइमिंग ये फैज आपको बता देंगे, या तो सुबह के टाइम या जब आपकी क्लास खत्म हो रही होती है ना असर से पहले आधे घंटा, जोहर असर के दरमियान जो है ना आधा घंटा होगा टाइम आपका। आपने पूरे दिन में आधा घंटे इनको देना है खाली, 15-15 मिनट के ना दो वो होने चाहिए सेशन बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, वो स्केड्यूल काम हम कर लेंगे, उसके पर वर्किंग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यही है कि मैं जब खुद भी साथ चल रहा तो फिर इनको भी कोई इश्यूज होंगे तो फिर हम साथ साथ ही इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। तुम्हारा बैचलर्स कहाँ तक पहुँचा? तुम यही पर इनके साथ हो ना? बस मैं इंशाल्लाह इनसे कनेक्ट रहूंगा मैक्सिमम टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है किसी का? पहली दफा हो रही है, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद बाबर है, सेकंड हाउस में दफ्तर के तौर पे काम कर रही हूं, फैज भाई के साथ मैं अटैच हूं इस काम में। इंशाल्लाह हम सेटिंग कर लेंगे, आप ही काम सीखें, आप ही काम सीखें इंशाल्लाह जी। ये जितने बच्चे भी जब ये कोर्स पूरा मुकम्मल करेंगे ना तो बाय द टाइम ये जो 16 साल के बच्चे हैं उनको और जो 12 साल के बच्चे हैं उनको भी एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर यानी हम अपने पास इनको हायर करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनका जहन बहुत तेज होता है और ये वो चीज निकाल सकते हैं जैसे बच्चे नहीं निकाल सकते। जी बोलिए। एप्पल ग्रुप ऑफ स्कूल ना, हमारे पे चैन सिस्टम है स्कूल जी, यहां इस्लामाबाद में। अच्छा, हमारी कंसल्टिंग कंपनी भी शुरू हो रही है तस्वीर भाई, इनको बता दीजिए इंशाल्लाह। फिर ये जो बच्चे हैं ना इनको मैं अपने पास एज अ हायर करूंगा एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जो जो ये कोर्स मुकम्मल करता है इंशाल्लाह उनको मैं अपने साथ हायर करूंगा इंशाल्लाह। सब बच्चे आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जी बेटा, ये सब फैसल है और सर तसीफ साहब है, तो इनके लिए आपने दुआ भी करनी है सेहत के लिए, जिंदगी के लिए, और ये जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमेशा इनकी कामयाबी के लिए दुआ करनी है, तो उनका आप शुक्रिया अदा करें एक आवाज से दे जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फी बारकल्लाह, दोबारा इनके साथ बैठूंगा तो यही अपने 5 बजे सुबह, तो फैज मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, मुझे बता दें तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।